अब तक आपने देखा कैसे कान्हा ने किया वत्सासुर का वध, गोकुल में हुआ हाहाकार, कान्हा ने कैसे किया चमत्कार। इस एपिसोड में ये कौन आया कंस के द्वार, ये कैसे संकट में फंस गए कंस, कान्हा ने दिखाया मैया को नया चमत्कार, क्या होगा अब, आइए देखें आगे। मदिरा पान करो, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आज मेरे काल का अंत होने वाला है। करो 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 करो। महाराज, महाराज। अब मुझे शीघ्र अति शीघ्र बताओ कि वत्सासुर ने मेरे काल का अंत कैसे किया, कहाँ किया, किस प्रकार किया। महाराज, शीघ्र अति शीघ्र बताओ मुझे। अचानक वर्षा होने से गोकुल में लगी आग बुझ गई है और आश्चर्य की बात यह है कि उसके आसपास कहीं भी बारिश नहीं हो रही है। और दूतों ने पशुओं द्वारा संदेश भेजा है कि वो बालक अभी भी जीवित है। महाराज, ईश्वर को कोटि कोटि प्रणाम। आज उन्होंने हम सबको इतनी विकट स्थिति से उबार लिया। हाँ यशोदा, ऐसा लगता है कोई चमत्कार हुआ है। प्रभु ने आज मेरे गोकुल को बचा लिया। तेरा कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। देवताओं की असीम कृपा से हम बच गए यार। हमारे गोकुल पे जो संकट था वो टल गया। पहले हवा ने अग्नि को बुझाया और अब इंद्रदेव अपनी कृपा बरसाकर गोकुल को बचा रहे हैं। आर्या, हमारा कान्हा कहाँ है? कान्हा कहाँ है आर्या? कान्हा? मैया, मैं यहाँ हूँ। Thank you.
मामाजी। का प्रयास मत करो, चले जाओ। नहीं 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 नहीं, शक्तिशाली दैत्यों और दानवों के एकमात्र हितैषी, एकमात्र मार्गदर्शक गुरु शुक्राचार्य, शत शत प्रणाम। कान खींचने से दुखता है, और जो तू इतना सारा माखन खा रहा है उससे तेरा पेट नहीं दुखता? मैया, माखन तो कितना कोमल होता है, उससे खाने से पेट क्यों दुखेगा? पेट दुखता है भूखे रहने से। अच्छा,
भूख लगने से पेट दुखता है तेरा। बस कान्हा तू ये बता कि तेरी मित्र मंडली कहाँ है? पंचे मित्र मैया। क्या मतलब तूने ये सब कुछ अकेले ही खा लिया? हाँ मैया। मैं नहीं मानती कान्हा, गज भर का तो है नहीं, तो सारा माखन कैसे खा सकता है? तुझे इतनी भूख कैसे लग सकती है? वो मनव राक्षस को ऐसे ऐसे मारा था ना मैया, तो इतनी भूख लग गई। देख कान्हा, मेरे सामने ये छोटे मोटे किस्से बनाना बंद कर। मैया हूँ तेरी, सब समझती हूँ मैं। तू क्या सिद्ध करना चाहता है कि तू महामानव है? वो राक्षस तेरे बल से नहीं बल्कि ईश्वर की कृपा से मारा गया। अगर तुझे कुछ हो जाता तो भला मैं क्या करती? जब मैं सच बोलता हूँ तो मुझ पर विश्वास नहीं करती। क्या कहा तूने? कुछ नहीं। बहुत नटखट हो गया तू। अरे ये माखन मेरे जी का जंजाल हो गया, तू समझता क्यों नहीं है कान्हा? इतना माखन खाना तेरे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, हानिकारक है। अब तू और माखन नहीं खाएगा, समझा? ठीक है। लो देख लो मैम, इसमें कुछ नहीं। क्या किया माधव आपने? मैया को अपने मुख में समस्त ब्रह्मांड के दर्शन करवा दिए, परंतु आप तो चाहते थे कि आपका वास्तविक रूप गुप्त रहे। बताइए ना माधव, आपने ऐसा क्यों किया? हाँ रुक्मणी, मैंने सदैव ही मैया से यह रहस्य छिपा कर रखा, क्योंकि मैं जानता था कि यदि मैया को वास्तविकता का ज्ञान हो जाएगा तो हमारा संबंध एक मैया और पुत्र का नहीं, एक भक्त और भगवान का बन जाए। परंतु मुझे ऐसा करना पड़ा। मैया को मुख में ब्रह्मांड दिखाने का कारण उन्हें इस बात का ज्ञात कराना था कि उनका पुत्र कोई साधारण बालक नहीं, वो अपनी रक्षा स्वयं कर सकता है। जिस प्रकार एक के बाद एक संकट आ रहे, मैया का भय उतना ही बढ़ता जा रहा। अपने पुत्र को लेकर मैया के भीतर आत्मविश्वास को जगाने के लिए ही मैंने ऐसा किया, क्योंकि अब जो संकट आ रहा था वो कोई साधारण संकट नहीं था। असुरों के गुरु शुक्राचार्य ने कंस को पाताल सुर के बारे में बताया। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। सूर्यदेव से भीष्म युद्ध होने के पश्चात पातालसुर को यह श्राप मिला कि वो सूर्य का प्रकाश पड़ते ही भस्म हो जाएगा। सूर्यदेव के श्राप के कारण
पाताल सुर भस बन गया, भस बनकर वो माटी में मिल गया। किंतु भस बनकर माटी में मिलने के पश्चात भी पाताल सुर की मनोकामना यही थी कि वो सूर्य देव से प्रतिशोध ले सके, जिनके कारण उसकी मृत्यु हुई थी और उसे भस्म बनना पड़ा। और इसीलिए पाताल सुर ने भस्म बनकर ही सहस्त्रों वर्षों तक शिव की तपस्या आरंभ की और अपनी भक्ति का मूल्य चुकाने के लिए स्वयं शिव को उसके आगे प्रकट होना पड़ा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पातालसुर, तुम्हारी घोर तपस्या से मैं प्रसन्न हुआ। तुम्हें जो वरदान चाहिए मांगो। महादेव, आपने सूर्य को जितना शक्तिशाली बनाया है, मैं भी वैसा ही तेजवान बनना चाहता हूँ। यदि वो सूर्य दिन के समय अपने तेज से सबको परास्त कर सकता है, तो हे महादेव, मुझे भी ये वरदान दीजिए कि रात्रि में मेरे तेज के आगे कोई भी महारथी ना टिक सके। मुझे आविजित होने का वरदान दीजिए शंभो। तथास्तु। ओम नमः शिवाय। अब महादेव के वरदान से पाताल सुर की शक्तियां और बढ़ गई। न अस्त्र, न शस्त्र, न देव, न मानव, न असुर, न पिशाच, रात्रि होने के पश्चात पाताल सुर के शवक सब शक्तिहीन हो जाते हैं। रात्रि के समस्त अंधकार को अपने अंदर समेटने वाला वो महाशक्तिशाली दैत्य ही तुम्हारे शत्रु का नाश करेगा कंस। आनंदित हुआ सुनकर। रात्रि, हाँ गुरुदेव, रात्रि। ऐसी रात्रि में उस कृष्णा ने जन्म दिया तो गुरुदेव। कृष्ण मेरा काल, मेरा शत्रु, मेरा घोर शत्रु, मेरा घनघोर शत्रु कृष्ण। अब देखना तो ऐसे ही भयंकर काली रात्रि में तेरी मृत्यु होगी। और मेरे नेत्र फटे के फटे रह गए। मैंने देखा कि लगा कि मुंह में
माखन की जगह पूरा ब्रह्मांड था। मुझे तक विश्वास नहीं हो पा रहा है। यशोदा, हर माता को अपने बालक में भगवान दिखता है, और वैसे भी हमारे कान्हा पर तो ईश्वर की विशेष कृपा है। अब तो मुझे भी लगने लगा है कि हमारे कान्हा का जन्म किसी महान लक्ष्य के लिए हुआ है। रुको, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। किंतु मैया। किंतु कुछ नहीं, सुना नहीं तूने? कहीं नहीं जाना है तुझे। मैया, तुम हमें ऐसा मैं यक्ति तोकती हो। अगर मैं वन में जाना हो तो वो सकते, मैं वन जाऊंगा, मुझे वहां किसी से मिलना है। क्या क्या कहा तूने? तेरा वन जाना आवश्यक है, तुझे किसी से मिलना है। कृष्णा, बलराम, तुम दोनों वन जा सकते हो, किंतु हमें वचन दो कि तुम दोनों सुरक्षित घर लौट आओ। जी बाबा, हम वचन देते हैं। मैया, मैं लिए मक्खन निकल कर रखना। मैं आकर तुम्हें